आइए हम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फेज की बात करते हैं। ये सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था, जो 10th लेवल में आप पढ़ करके आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन फार्मूले की। तो उसके पहले एक थोड़ी सी छोटी सी बात और कर लेते हैं, रियल डिफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। जैसे सपोज दैट आप ये मान लें कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। छोटी सी बात करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग रिलेशन फॉर्मूले की बात करेंगे। आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए इस तरह का, ठीक है। ये एक सर्कल, इस सर्कल का सेंटर ये ओरिजिन पर है, सेंटर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। और मान ले यहां पर कोई पॉइंट पी है, और अगर मैं पी पॉइंट की बात करता हूं, मतलब मैं ये बोलने वाला हूं कि पी से अगर आप कितने परपेंडिकुलर डालें, ये एम हुआ। इस डिस्टेंस को अगर मैं एक्स बोल दूं और इसे बोल दूं वाई, फिर इस पी का कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई होता है, और पी से अगर आप ओ को ज्वाइन कर दें, पी से अगर ओ को आप ज्वाइन कर लें, ये इसकी रेडियस है, और रेडियस को मैं आर बोल देता हूं, ठीक है। और अगर मैं रेडियस को आर बोल रहा हूं, ये रियल डिफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। रियल डिफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की है, जरा इसका मतलब समझिए। अगर मैं यहां से साइन, इस एंगल को थीटा बोला, अगर मैं यहां साइन थीटा बोला, तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वाई अपॉन आर की बात कर रहा हूं, और वाई का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। आर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए कि आर सर्कल की रेडियस है। तो आप जरा सोचें, इसमें वाई पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो साइन थीटा हमें मिलता है, ये साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर अगर आप कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, मतलब एक्स अपॉन आर आता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है अपॉन आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, इसलिए आप कॉस थीटा को बोलते हैं पॉजिटिव होगा। जब आप टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, मतलब वाई अपॉन एक्स की बात कर रहा हूं, इसमें वाई पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, इसलिए टेन थीटा भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेक कोसेक कॉट, ये सब इनके रेसिप्रोकल हैं। अगर ये पॉजिटिव हैं, तो वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आप बोला करते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं। अब आप जब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, देखें, अब मैं अगर पी को सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चला हूं, यहां पे मैं इधर के फिगर को हटा देता हूं, अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं। आने देखें, जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये आज भी आर है, रेडियस है उसकी, और रेडियस चेंज होगी नहीं, वो आर है। जब आप पी पॉइंट में पहुंचते हैं, तो आज ये वाली डिस्टेंस वाई और ये डिस्टेंस एक्स है, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव होता है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कमा वाई हो जाता है। और जब इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कमा वाई हुआ, तो देखें हमारी चेंजिंग क्या होती है, ठीक है। चेंजिंग जरा समझते हैं, एक्स कमा वाई होने पर कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, इसको जरा समझते हैं। देखिए,
साइन थीटा इक्वल टू तो वाई अपॉन आर होगा, ये थीटा है, वाई अपॉन आर होगा, मतलब वाई भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव रहा। लेकिन कॉस थीटा की जब बात करेंगे तो कॉस थीटा में ये माइनस एक्स आ गया, आपने यहां माइनस एक्स लिखा, तो फिर यहां आपने लिखा कि एक्स नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो फिर सर टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा को वाई अपॉन एक्स बोल सकते हैं, तो y पॉजिटिव है लेकिन x इसमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो y पॉजिटिव x नेगेटिव ओवरऑल tan थीटा भी नेगेटिव, इसलिए कहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव है और sin का रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव है, cos और tan और इन दोनों के रेसिप्रोकल sec और cot नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे जैसे ही आप यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे P पॉइंट यहाँ आएगा और इसके कोऑर्डिनेट माइनस एक्स का मान माइनस वाई होंगे, और जब यहाँ आप साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा माइनस वाई बाय आर आएगा, कॉस थीटा आप लेंगे तो माइनस एक्स अपान आर आएगा, और टेन थीटा आप लेंगे तो माइनस एक्स अपान माइनस वाई आएगा, माइनस वाई अपान माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ देखें वाई नेगेटिव है आर पॉजिटिव है, ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया, मतलब साइन थीटा आपका नेगेटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा आपका नेगेटिव है, टैन ये दोनों माइनस माइनस मतलब नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ये दोनों मिलकर बन जाते हैं पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं कि टैन थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी आप समझ गए हैं, इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फिर यहाँ आएंगे आप तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से साइन चेंज होते हैं जो अब तक हम लोग सीखते थे जानते थे कि साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है, कॉस भी आपका सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, टैन सेकेंड में फोर्थ में निगेटिव है, जो ये रखते थे ये वास्तव में उसका रियल डिफिनेशन ये है, वो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो गए थे। ये मैं आपको एक छोटी सी बात रखने की कोशिश किया हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम बढ़ते हैं रिडक्शन फार्मूले की तरफ, और उस फार्मूले को समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीजों के साथ मिले करके समझेंगे, आप याद करेंगे, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं, और यहीं से आपकी 11th में ट्रिग्नोमेट्री समझ लें कि मेन रूप से एंट्री हो गई, और ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आना बहुत ही आवश्यक है, ये आना ही चाहिए। आइए मैं जो समझाने जा रहा हूँ इसको जरा ठीक से समझें, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और बहुत ही काम की, ये आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आएगी। देखो मान लें आपके पास एक्स और वाई एक्सिस क्या है, ठीक है, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरह आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही है। देखो इस लाइन को हम लोग ये यहाँ पर एंगल 0 डिग्री का होता है, ये x एक्सिस सही है, ये 0 डिग्री का एंगल है, जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो एंगल पाई बाय 2 का हो जाता है, मैं पाई बाय 2 बोल रहा हूँ इसका मतलब आप 90 समझे, आपको रेडियन में एंगल में बताया था, और फिर जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ एंगल होता तो पाई का है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ 0 पाई बाय 2, यहाँ बोल रहा हूँ 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 का मतलब पाई, लिख रहा हूं पाई लेकिन पढ़ रहा हूं 2 पाई बाय 2, आगे की सीरीज अपनी बनती रहेगी, पाई का मतलब 180 का एंगल होता है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए पाई 0 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, आगे बढ़ने पर एंगल होता है 3 पाई बाय 2 का, फिर आगे आगे यहां पर आने के बाद एंगल होता है 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 का मतलब 2 पाई, इसलिए हम यहां लिखते 2 पाई, बोल रहे हैं 4 पाई, ऐसा बोलने से फायदा यह होगा कि 4 पाई बाय 2 के बाद अगला बनेगा 5 पाई बाय 2 जो यहां का काम चला जाएगा अपना, फिर 6 पाई बाय 2 बनेगा जो यहां आकर के 3 पाई बन जाएगा, फिर 7 पाई बाय 2 बनेगा जो यहां का काम हो जाएगा, फिर 8 पाई बाय 2 बनेगा तो यहां आकर के 4 पाई, फिर 9 पाई बाय 2 बनेगा तो यहां आ जाएगा, फिर
इधर भी आप समझते रहें, ये 180 है, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 की समझे, वो 0 डिग्री है, इसको 360 भी बोलते हैं। जब 2 पाई हमने यहां पर एक राउंड पूरा कर लिया है, ये 360 का है। अब अगली बात सुनते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। इधर जो एंगल होते हैं ये बोलते हैं इवन पाई। देखिए सबके साथ इवन नंबर लगा हुआ है, ये इवन पाई के एंगल है, तो इसको हम लोग जनरल टर्म में 2n पाई बुला करते हैं। याद रखेंगे 2n पाई वो एंगल होते हैं जो x एक्सिस पे इस साइड पर है, राइट साइड, ठीक। और जो इधर के एंगल है ये 8 पाई वाले हैं, और 8 पाई को हम लोग बोलते हैं 2n + 1 * पाई। ये सारे एंगल 8 पाई के n क्या है, n एक जनरल वैल्यू है, n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ही आप रखेंगे ये एंगल आपको मिल जाएंगे। ये दो बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं उसकी और इसकी, देखो इसे कैसे जानते हैं, इनमें जो कोफिशिएंट्स आपने लिखे हुए हैं 5 है 9 है यहां 1 है, अगर मैं बोलूं उन्हें आप 4 से डिवाइड करें, इसे डिवाइड करने के लिए बोला मैंने 4 से, अगर आप 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो 4 बन जाए 4, 1 टाइम्स तो भाग गए इसमें डिवाइड हुआ और एक इसमें रिमाइंडर बचा। यहां भी अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एक बचेगा, यहां 4 से डिवाइड करते हैं तो भी एक रिमाइंडर बचेगा, 0 टाइम्स डिवाइड हुआ है। तो जब आप यहां डिवाइड कर रहे हैं, यहां वे लोग हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देते हैं। एक बार और सुने, इसमें वे लोग आते हैं जिन्हें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता है, तो इनके लिए मैं जनरल टर्म में बोल दिया ये 4n + 1 * पाई / 2 वाले लोग हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वे लोग हैं जिन्हें 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है। तो आप ये समझें, कभी भी अगर आपको कोई एंगल दिया जाएगा, जैसे मैंने एंगल दिया मान लीजिए ये 17 पाई बाय 2, अब आपसे ये पूछा जाए ये एंगल इधर ऊपर साइड में आया कि नीचे साइड में आएगा, तो फिर आप इसको घुमाते रहेंगे कैसे जानेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, आप इसे 4 से डिवाइड करें। अब 4 से डिवाइड करने पर अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तब समझ लें कि एंगल ऊपर आ, तो इसमें कितना बचने वाला है 4 से डिवाइड करेंगे तो 16, एक एक बचेगा, तो 17 पाई बाय 2 का एंगल इसमें आएगा ऊपर, मतलब इसी फार्मूले में आएगा। इसका यूज कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले हम जरा इसे समझ लें ये क्या है, ठीक है। ये इसका मतलब जो फार्मूला बना रहा हूं इसका मतलब सिर्फ यही है, इसीलिए बनाते हैं। देखिए अब इधर सोचते हैं, इधर अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां 3 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे 4 को जाए 3 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा और 3 आपको बचेगा। मतलब ये हुआ कि इधर वे लोग हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो इनके लिए जनरल फार्मूला बनता है 4n + 3 * पाई / 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं बहुत ही छोटी-छोटी और बहुत काम की बातें किया हूं। अब अगर ये बात आप समझ गए तो फिर मैं अपनी अगली बात कर रहा हूं। एक बार और ध्यान दें, आप कभी भी इन सब टॉपिक को पढ़िएगा तो जैसे मैंने बनाया है इसी तरह आप एक्स वाई एक्स बनाए, बनाने के बाद इन ये सारी डिटेल्स जैसे मैं भर रहा हूं ऐसे आप भरें, जब आप अपने से एक दो बार तीन बार भरेंगे तो फिर आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा, ऐसे रटने से कभी याद नहीं होगा, इसे आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, और ये याद रहेगा तो अपना काम चलता रहेगा हमेशा। अब जरा और सोचते हैं और क्या करते हैं, देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन पर नो चेंज और इस लाइन पे चेंज, अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि सर ये लिखे क्या, इसका क्या मतलब है, नो चेंज और चेंज का मतलब क्या है, तो वो बात मैं रख रहा हूं, उसे जरा समझे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। नो चेंज और चेंज की बात मैं कर रहा हूं, तो पहले मैं चेंज की बात करूंगा, चेंज की बात जब हो जाएगी तब नो चेंज की बात चलेगी, इसलिए मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। ये जो नो चेंज वाले हैं इनको मैं हटा दिया, अभी मैं चेंज वाले की बात करता हूं, फिर इसके बाद अपनी नो चेंज की बात होगी, ठीक है। अभी मैं चेंज वालों की बात कर रहा हूं, अब जरा सोचिए θ
थीटा एक एंगल अपने पास है जो लेस देन पाई बाय 2 है एंड ग्रेटर देन 0 है। और जिस दिन मैं आपसे बोलूं कि आप पाई बाय 2 से थीटा को सबट्रैक्ट करें, मतलब 90 से थीटा को सबट्रैक्ट करें, जैसे ही आप थीटा को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आप इधर हो जाएंगे, और जैसे ही आप इधर हो जाएंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप जानते हैं इसे, आप सेकंड क्वाड्रेंट जानते हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको पता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे ही आप ऐसे सोचें ये 90 है, जैसे ही आप थीटा से सबट्रैक्ट करेंगे आप इधर हो जाएंगे, और जैसे ही आप इधर हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो आप इतना याद रखेंगे कि जब कभी आपको पाई बाय 2 माइनस थीटा बोला जाए, या इसी को हम लोग 90 माइनस थीटा भी बोलते हैं, जब कभी आपसे पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करें तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि पाई बाय 2 माइनस थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम खड़ा है। और उसी को जरा एक दूसरे तरफ सोचते हैं, मान लीजिए यहां पाई बाय 2 पर है, अगर थीटा इसमें आपसे ऐड करने के लिए कहें तो ऐड करने के समय आप इधर हो जाएंगे, और जैसे ही आप इधर हो जाएंगे तो फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा, या इसी को आप 90 प्लस थीटा बोलते हैं, और आज के दिन आप सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात आपको समझ में आ गई? इस लाइन की बात अभी करना ही नहीं है, केवल मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, इसके मैं इधर गया और फिर इसके इधर गया। अब यहां ये, अब आप इस लाइन में खड़े हैं, अगर मैं बोलूं यहां से आप थीटा को सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट करने पर आप बैठ जाएंगे, और जैसे ही आप इधर आएंगे ये थीटा सबट्रैक्ट करने पे आते हैं, ये थीटा सबट्रैक्ट करने पे आते हैं, ये थीटा प्लस करने पे आते हैं। जैसे ही सबट्रैक्ट किया तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा यहां आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, या इसको आप 270 माइनस थीटा भी बोलेंगे। और सर जैसे ही आप थीटा को प्लस करेंगे तो प्लस करते ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, मतलब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या इसी को आप 270 प्लस थीटा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, एक छोटी सी बात मैं इधर रख देता हूं, यद्यपि भी आपको पता है इसलिए मैं उस बात को लिखा नहीं, उसके बारे में आपको बता दिया हूं। इसमें आप जानते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन कॉट सेक एंड कॉस ये नेगेटिव होते हैं। इधर आप जानते हैं कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसके बाद साइन कॉस सेक कोसेक ये नेगेटिव हैं, इधर आप कॉस और सेक को पॉजिटिव जानते हैं, टेन कॉट साइन कोसेक ये नेगेटिव जानते हैं। ठीक है, इतना आपको पहले से पता है, मैं एक छोटा सा यहाँ पर बना दिया, लेकिन आपको ये पता है, अभी मैं इसी पर चर्चा किया था इससे पहले, ये कैसे प्लस माइनस होते हैं, फिलहाल ये आपको पता है। ठीक, इतना जानते हैं। अब मैं बात करता हूं उसकी, देखिए ये जो फार्मूले मैंने यहाँ पर ये बनाया, पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा 3 पाई बाय 2, अगर आप 90 में जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अब याद करना है पाई बाय 2। अब आगे अपना सारा काम रेडियन के एंगल होने वाले हैं, इसलिए रेडियन के एंगल आपको आने चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं, देखो जैसे मैंने ये बोला, अगर आपसे कहा जाए कि sin पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, पहले एक यहां रिमार्क में लिख लेंगे, जब कभी आप पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा 270 मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये मैं जो बोल रहा हूं आप इसे एंगल में भी समझते रहें, ये 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, जब कभी जिंदगी में आपको इनमें से कुछ दिखाई देते हैं तो आप ये समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होते हैं, और साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, उसके बाद टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन।
sec चेंज होता है cosec में और cosec चेंज होता है sec में, ये एकदम रामबाण है, समझ लीजिए, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसलिए कि चेंज, इसी को मैं बोल रहा था कि चेंज, ये लिखा है चेंज, चेंज मतलब इस लाइन पे चेंज होना है, और इस लाइन पे चेंज होता कैसे वो मैं यहां दिखा दिया हूं। जब आप ये चारों में से कुछ भी करेंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले चेंज वाले की बात करते हैं। सर चेंज होता कैसे, आइए उसको मैं दिखाता हूं चेंज कैसे होता है। अब मैं इसे हटाया और मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि चेंज कैसे होता है, देखिए बताता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। अगर कभी आपको लिखा हुआ मिल गया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो मैंने बोला कि पाई बाई टू माइनस थीटा के कंडीशन में साइन कॉस में चेंज होता है, इसको आप तुरंत कॉस थीटा लिख दें। लिखने के बाद आपको बस एक चीज चेक करना होता है, ये साइन इसका कैसा होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, इसके लिए आप इसको ध्यान रखें। देखें साइन, साइन की वैल्यू आप फाइंड करना है, बट ये जिस एंगल के लिए आप निकाल रहे हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तब ये पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव है। फिर अगर आप कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉस के बाद फिर आप टैन लेते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, तो क्या होगा, टैन क्वाड में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक लेते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कोसेक में चेंज हो जाएगा। फिर आप अगर कोसेक लेते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये सेक में चेंज हो जाएगा। फिर अगर आप क्वाड पाई बाई टू माइनस थीटा लेते हैं, तो ये टैन में चेंज हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, पहले क्वाड्रेंट का है, आसान है, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बात कीजिए, अब आइए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट चलते हैं, वहाँ भी चेक करते हैं। मैं इसी में चेंज करके लिख रहा हूँ, आपको उम्मीद है समझ में आएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता साइन पाई बाय टू प्लस थीटा की बात करते, प्लस थीटा लिखते ही आपके दिमाग में पहली बात तो आप साइन को कॉस लिख ही देंगे, इसलिए कि चेंज होना ही है। अब ये एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। एक बार और ध्यान से सुने, इसका साइन देखना होता है, इसका नहीं। जैसे आप कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा की अगर बात करते तो पाई बाय टू सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव होगा। देखें यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आएगा। फिर सर अगर टैन पाई बाय टू प्लस थीटा की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है, ये निगेटिव देगा। सेक पाई बाय टू प्लस थीटा की बात करेंगे तो सेक भी निगेटिव होता है, ये निगेटिव देगा। कोसेक की जब बात करेंगे तो कोसेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा। कॉट की जब बात करेंगे तो कॉट में निगेटिव होता है, ये टैन थीटा निगेटिव मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो फिर मैं एक बात यहाँ रखता हूँ, इसे हटाता हूँ। अब जरा एक बात और ध्यान से सुने, अगर मान लीजिए मैंने साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा लिखा या कॉस थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा लिखा या टेन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा की बात किया, कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा की बात करूं, सेक थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा की बात करूं, या कोसेक थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा की बात करूं, आइए बात करते हैं, दोनों लोग मिलकर साफ करेंगे, जल्दी हो जाएंगे। बताइए थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, पहली बात की चेंज तो होना है, इसलिए कि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा में चेंज होता है, तो पहले चेंज वाला तो लिखिए ना, साइन को गया है साइन का, तो साइन थीटा यहां लिख देते हैं, साइन का कॉस थीटा चेंज होता है, और कॉस का साइन थीटा चेंज होगा, टैन का कॉट थीटा चेंज होगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। अब आइए साइन की बात करते हैं, बताइए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, देखिए साइन निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां निगेटिव लगाइए, कॉस कॉस भी निगेटिव है, देखें यहां निगेटिव लगाइए, टैन थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव रहेगा, कॉट ये भी पॉजिटिव है, सेक निगेटिव है, कोसेक निगेटिव है, पहुंच गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई,
अब मैं इसी के लगे आपसे एक बात और करता हूं, फिर मैं हम लोग दूसरे साइड चलते हैं। क्या बात कर रहा हूं? मान लीजिए आपको ये तो पाई बाई टू माइनस थीटा के, मैं पाई बाई टू प्लस थीटा बात कर रहा हूं। अगर आपसे साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा पूछते, कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करते, टेन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करते, कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करते, सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, या आपसे पूछते कोसे थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा आए। पहली बार चेंज होना है, पाई बाई टू प्लस थीटा में चेंज होता है, तो पहले आप चेंज करके लिख दें, साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट, टेन का कॉट, कॉट का टेन, से का कोसे, कोसे का से। अब आइए जरा साइन चेंज करते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट है फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे, तो कॉस और सेक को पहले आप पॉजिटिव बना दो, कॉस के लिए पॉजिटिव और सेक के लिए पॉजिटिव, बाकी सब के लिए निगेटिव आप उत्तर पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे याद करते फॉर्मूले आप घर पे, अगर आप एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं करें जो आपको आ नहीं सकती, ठीक है। आए अब जरा समय एक बात और रखता हूं, ये आपको प्रैक्टिस करते रहें याद हो जाएंगे, आसान है, ठीक है। अब मैं एक और बात रखता हूं अपनी, सर इसका यूज क्या होता है? ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही होता है, इसलिए इसके यूज पे आप न जाए, इसको यूज करना आप सीखेंगे, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। अभी मैं बनाया था, फिर एक बार मैं उसकी बात करता हूँ। देखें ये पाई बाय टू था, यहाँ पर फाइव पाई बाय टू था, और अलेवन पाई बाय टू था, नाइन पाई बाय टू था, इधर थ्री पाई बाय टू था, सेवन पाई बाय टू था, और अलेवन पाई बाय टू था, ठीक है। आए इधर के लिए फॉर्मूला मैं बनाया था फोर एन प्लस वन पाई बाय टू, और इधर के लिए फॉर्मूला बनाया था 4n प्लस 3 पाई बाय। अच्छा इसका क्या है ये भी समझते हैं। मान लीजिए कभी आपसे ऐसे पूछता साइन 37 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मान लीजिए कभी आपको जिंदगी में ये लिखा हुआ मिल गया और इसे आपको बताना है, तो पहली बात अपने दिमाग में ये बात को आप कंफर्म हो जाए कि पाई बाय 2 अगर यहां लगा है तो चेंज होना है, और चेंज होगा तो साइन कॉस बदलेगा, मतलब ये कॉस थीटा तो हो जाएगा, ये कंफर्म है। बट ये नहीं कंफर्म है आप कि ये 37 पाई बाय 2 ये इस फार्मूले में आता है कि इस फार्मूले में आता है ना। देखिए माइनस थीटा का तो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन ये किस में आता है, इस वाले में है, इस वाले में, ये आप कंफर्म नहीं, इसी के लिए फार्मूला याद करना है। आप इसे 4 से डिवाइड करें और देखें इसका रिमाइंडर कितना आता है, जब आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसमें आया 1, और 1 रिमाइंडर आया इसका मतलब इस क्वाड्रेंट का है, ये 4n प्लस 1 इसमें आता है, और इसमें तो फिर यहां पड़ेगा, और यहां से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, वहां पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू कॉस थीटा है। नहीं समझ में आया आपको तो इसको निकालिएगा, कॉस 39 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको आप फाइंड करेंगे, एक दूसरा और फाइंड कर लेंगे, टेन 103 पाई बाय 2 माइनस थी का फाइंड करिएगा, तीसरा फाइंड करिएगा कॉट 111 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इतने क्वेश्चन आप खुद फाइंड करिएगा, जब आप निकालेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या यूज हो रहा है और कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतना आप कर लें, फिर बात करते हैं, ओके थैंक्स।